करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा और फवाद खान प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है और इसके साथ ही फिल्म की एक मुश्किल भी बढ़ रही है। जी हाँ, कभी फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर के होने का विरोध, तो कभी इंटीमेट सीन्स पर सेंसर बोर्ड की कैची। तो लो, अब फिल्म के बैन होने की खबर भी आई है। लेकिन इन सारे विवादों के बीच लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर रणबीर ही अकेले फिल्म को प्रमोट करते क्यों नजर आ रहे हैं? ऐश्वर्या और अनुष्का प्रमोशन के दौरान कहीं नजर नहीं आ रहे। इसे पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर हो रहे फिल्म के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उन सभी फिल्मों का विरोध कर रही है जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है। ऐसे में सुनने को मिल रहा है कि इस विरोध के चलते ही ऐश्वर्या और अनुष्का फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे। लेकिन एक वेब पोर्टल की खबर के मुताबिक सच्चाई ये नहीं है। ऐश्वर्या और अनुष्का को मेकर्स ने एक रणनीति के तहत अभी तक प्रमोशन के लिए मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन जल्द ही ये दोनों ए दिल है मुश्किल को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। खबर के मुताबिक अनुष्का शर्मा अभी शाहरुख खान के साथ फिल्म द रिंग की शूटिंग कर रही हैं। ऐसे में उनके लिए ए दिल है मुश्किल को प्रमोट करना संभव नहीं। वो कुछ दिनों के बाद प्रमोशन के लिए समय निकालेंगी। ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय लीड फीमेल कैरेक्टर नहीं है, लीड फीमेल कैरेक्टर में अनुष्का शर्मा है। ऐसे में अगर ऐश्वर्या अकेले फिल्म का प्रमोशन करती हैं, तो ये जायज नहीं होगा। इससे दर्शकों के बीच एक गलत संदेश भी जाएगा। इसलिए मेकर्स ने रणनीति बनाई है कि ऐश्वर्या और अनुष्का एक साथ फिल्म का प्रमोशन करेंगी। ए दिल है मुश्किल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर अजय देवगन की शिवाय से होने जा रही है। शिवाय में अजय ने लीड रोल निभाने के साथ साथ प्रोडक्शन और डायरेक्शन का काम भी संभाला है।